चंबा मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण और चंबा के लिए प्रस्तावित पार्किंग का कार्य जल्द शुरू करने जैसी मांगों को लेकर आज चंबा के लक्ष्मण क्लब में चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुरमुख सिंह, एससी नैयर, चोपड़ा, रतन, हितेंद्र, सुरेंद्र भंडारी, मुकेश कंपानी, वीरेंद्र महाजन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान चंबा के बारगा में बनने वाले इंडोर स्टेडियम, चंबा मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण और चंबा के लिए प्रस्तावित पार्किंग का कार्य जल्द शुरू करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बोलते हुए चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल के अध्यक्ष चंद्र सहगल ने बताया कि चंबा पुलिस ग्राउंड बारगा में इंडोर स्टेडियम का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब इसको शिफ्ट होने की बात चल रही है। अतः उनकी जिला प्रशासन से ये मांग है कि इस इंडोर स्टेडियम को इसी स्थान पर बनाया जाए ताकि चंबा के युवा इसका लाभ उठा सकें। प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की 62 मीटिंग हुई, जिसमें सभी हमारे मेंबर ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि प्रशासन ने यहाँ स्टेडियम का काम ये प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजी थी, लेकिन हमें पता लगा है कि वो बारगा में बनकर राजपुर में बनाने की प्रपोजल द्वारा भेजी गई है। तो हमारा ये काउंसिल की तरफ से ये मानना है कि ये जो स्टेडियम का काम है वो बारगा में ही हो। और दूसरा हमारा ये प्रशासन से एक अनुरोध और रहेगा कि हमें यह पता लगा कि पार्किंग का जो पैसा है वो आ गया है, तो प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल के सदस्य एससी नैयर ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण और चंबा के लिए प्रस्तावित पार्किंग का कार्य पैसा जारी होने के बाद भी शुरू नहीं हो पा रहा है। अतः उनकी सरकार से ये मांग है कि इन कार्यों को जल्द शुरू करवाया जाए। जैसे आपको ज्ञात है कि मेडिकल कॉलेज खुले हुए आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है पुरानी बिल्डिंग में ये कॉलेज चल रहा है, और जिससे जो लोकल हमारे पब्लिक है उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए और उनको थोड़ी मुश्किलें पड़ रही हैं। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, जगह भी निश्चित तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले ये कहा था कि पैसा भी आ गया है, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि बिल्डिंग का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे हॉस्पिटल छोटा था, आबादी बढ़ गई है और उसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और लोकल हमारे विधायक हैं पवन नैयर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है ये जल्दी जल्दी शुरू हो सके ताकि लोगों को इसकी तकलीफ ना हो। हम पवन ने ये बहुत उभारी हैं कि उन्होंने शिमला से काफ़ी पैसे लेके आए हैं पार्किंग के लिए, लेकिन अब तक पार्किंग का काम शुरू नहीं हुआ है। हमारी डीसी साहब से और विधायक जी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम पार्किंग का पैसा आ चुका है, जगह भी हमने निश्चित कर दी है स्टूडेंट SP की कोठी के ऊपर, तो ये काम भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि जो रोड जाम लगा रहता था उससे इससे निजात मिले। तीसरा, हमारी एक बड़ी बड़ी मांग थी कि हेलीपैड के नीचे जो सड़क कई सालों से बंद पड़ी थी, हमें बड़ी खुशी है और हम बहुत आभारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि अब वहाँ काम शुरू हो गया है, और जो कॉलेज के बच्चे जिन्हों को वो जाम में फंसे रहते थे, क्लासें उनको मिस करनी पड़ती थी, लोगों को मुश्किल थी क्योंकि सुल्तानपुर में सिर्फ 1 लेन ही नहीं वन वे ट्रैफिक था, तो अब पूरी उम्मीद है कि इससे बनने से ये अब बच्चों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।